पहले इसको लो, कोई नहीं मरेगा, मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। इसका मैं इससे इसलिए शुरू किया कि ये आपके बी फार्मा बायोटेक से कोरिलेटेड है। तो आप कहीं भी मॉल में जाते हो या हम अभी इसी लैब में मान लो कुछ बात कर रहे हैं, अभी आप अच्छे बच्चे आ गए 18 के 18 वर्ष, क्या होगा यहाँ कुछ देर के बाद सफोकेशन होगा क्योंकि अपन ऑक्सीजन लेते हैं बाहर क्या छोड़ते ना CO2, तो दिस एटमोसफियर इज फुल ऑफ CO2, ऑक्सीजन की डिप्लीट हो जाएगी, तो कुछ देर के बाद हमें घुटन या बेचैनी अनइजी अनकम्फर्ट लगता है, तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर इंजीनियरिंग के बच्चों को मैंने कंसेप्ट दिया कि क्या हम CO2 को कन्वर्ट करके ऑक्सीजन और कार्बन में ट्रेक कर सकते हैं। उन्होंने जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से CO2 पास होती है तो क्या होता है, इट ट्रेक्स इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन मेटल के प्लेट पर डिपॉजिट भी होता है। देखो इसमें ट्रेक्स लगी है बहुत सारी, देखो यहाँ पे भाई प्लेस अगर ज्यादा अगर हम जा रहे हैं यहाँ पे डीसी करंट बहुत हाई जा रहा है, डीसी वोल्टेज हमें हर शॉक लग जाएगा जो प्लेस है। ये पूरा प्लास्टिक बॉडी है, मेटल का नहीं बना सकता, तो जो झटका लगा तो मर जाएगा इसमें से। और कुछ ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रिक फील्ड से जाती है तो ओजोन में बन जाती है। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, ओजोन के 3 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ओजोन की क्या खासियत है, सीमित मात्रा में, इन 1% से 0.1% से भी कम, उसके कुछ उपयोग है। आप लोग फार्मासिस्ट हो यार,